आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जसपुर मंडी समिति सभागार में एसडीएम गौरव चटवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की बैठक ली, जिसमें मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं से आने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की। वहीं एसडीएम ने केंद्रों पर पानी, लाइट, शौचालय, रैम की व्यवस्था को लेकर शीघ्र रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जसपुर में 2 जोनल और 10 सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिसमें 88 मतदान केंद्रों पर 145 मतदेय स्थल हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर को मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चुनाव से पूर्व जो होता है एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है बूथ्स का भ्रमण किया जाता है, जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, और वहाँ पे वल्नरेबिलिटी की मैपिंग की जाती है, वल्नरेबल एरियाज की पहचान की जाती है, जिसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो जिनको वोट देने से रोका जा सके या उनको प्रलोभन दिया जाए, या वहाँ पे कोई ऐसे अपराध हुए हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता हो, या कोई चुनावी संबंधी पिछले चुनावों में ऐसे कोई अपराध हुए हैं, तो ऐसी जगह को, ऐसे पॉकेट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को चिन्हित करना, ताकि जो है आने वाले इलेक्शंस में वो लोग कुछ जो कमज़ोर तबका है या जो ऐसा वल्नरेबल एरिया है वहाँ पे वो वोट डाल सकें भयमुक्त होकर, और ऐसे लोग जो उनके इस तरह की चीज़ें करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, उसकी चीज़ की एक सर्टेन फॉर्मेट्स होते हैं जिसको VM2 VM3 बोला जाता है, उस पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से वो भर के हमको दिए जाएंगे। उसमें फिर हम उसको देखेंगे कि जो ऐसे अगर ये ऐसे वहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।